तो गाइस अभी हम रामटेक के पास में आ चुके हैं। अरे क्या कर रहा पागल इंसान। तो गाइस देखो सुबह में बारिश आई, पूरा रास्ता देखो पानी पानी हो गया। वाटर क्रॉसिंग चालू है यहाँ पे। तो अभी हम कृष्णा भाई की तरफ जा रहे हैं, वो अभी बस स्टैंड पे रुका है, तो उसको अभी हम पिकअप करेंगे। उसकी गाड़ी मैं उठाने वाला हूँ और सीधा हम जाएंगे रामटेक। तो आपको पता होगा कि रामटेक में क्या है। रामटेक में भगवान श्री राम जी का एक मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं और बहुत ही मज़ा आएगा आज के व्लॉग में। ये हमारी फर्स्ट रोड ट्रिप रहने वाली है। अभी मैं ही गाड़ी चलाने वाला था पर मैंने मेरे भाई को बोल दिया कि मैं आज पीछे बैठ के देखता हूँ कि पीछे बैठ के कैसा फील होता है। R15 तो चलाना उतना मुश्किल नहीं है, पर जो पीछे वाला रहता ना उसको बहुत दिक्कत जाती है। ऐसा लगता है कि वो एकदम से कुछ हो गया तो वो सातवें आसमान में पहुंच जाएगा। पीछे के जो आइडर है वो बहुत ऊपर है। ये देखो ऑटो के भी ऊपर दिखाई दे रही है, जो कार के भी ऊपर मेरी है। तो अभी हम शताब्दी चौक पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमको बस स्टैंड जाना है। ये रहा शताब्दी चौक। यहाँ पे ना लंबी रोटी मिलती है, तो हर जगह आपको लंबी रोटी बनाते दिखेगी। यहाँ की लंबी रोटी भी फेमस है। अगर आपको लंबी रोटी खानी रही तो आप यहाँ पे शताब्दी स्क्वायर के पास आ सकते हो। ये देखो सिग्नल तोड़ के जा रहे कपल। नागपुर में बहुत लोग सिग्नल तोड़ते हैं, पता नहीं क्यों, 2 मिनट रुका नहीं जाता लोगों से। अभी हमारा सिग्नल छूट चुका है। यहाँ पे 2 तरह के ऑटो आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक हमारा सिंपल सादा ऑटो जो भी तरफ चलता है, और एक इलेक्ट्रिक ऑटो। तो ये देखो आगे में एक इलेक्ट्रिक ऑटो है। ये देखो 2 ऑटो है इलेक्ट्रिक। तो ऐसे ऑटोस नागपुर में चलते हैं। ये सादा ऑटो जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक ऑटो। तो ये ऑटो की खास बात ये है कि ये कम पैसों में आपको छोड़ के देता है, मतलब 10-20 रुपए में आपका काम हो जाता है। वही पे जो सादा वाला ऑटो रहता है वो आपसे 40-50 रुपए लेता है। तो गाइस ये साइड हमारा नागपुर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आगे का जो स्क्वायर है ना वो हमारा मेडिकल स्क्वायर है। ये देखो यहाँ पे यहाँ की चाय वगैरह बहुत फेमस है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे मेडिकल के शॉप्स मिल जाएंगे। तो यही इसकी वजह से इसको मेडिकल स्क्वायर भी बोलते हैं। यहाँ पे VR मॉल है, ये देखो यहाँ पे नागपुर का सबसे बड़ा मॉल, पहले इंप्रेस मॉल था, अब ये VR मॉल है। और ये देखो बिल्डिंग। करीबन 1 करोड़ के ऊपर ही फ्लैट्स है। अभी हम यहाँ से आगे में हमारा बस स्टैंड है, वहाँ पे मेरा दोस्त रुका हुआ है कृष्णा भाई। आधा घंटा हो चुका है वो वेट कर रहा है हमारा। अरे कृष्णा भाई हाथ मिलाओ। कृष्णा भाई चलो निकल रहे हैं, थोड़ा सा लगी लग रहा है भाई की गाड़ी चलाते हुए। अपनी वाली तो मैंने बहुत चला ली है,
और आज कृष्णा भाई की भी गाड़ी चला के देखते हैं। कृष्णा भाई हमारे प्रोफेसर है शिवाजी साइंस में, फिजिक्स पढ़ाते हैं। कल रात में बारिश आई थी तो पूरा आप देख सकते हो रोड पे पूरा पानी आ चुका है। नागपुर का ऐसे ही रहता है कि थोड़ी भी बारिश गिर गई तो पूरा रास्ता पानी से भर जाता है। तो मैं क्या बता रहा था, कृष्णा भाई हमारे शिवाजी साइंस में प्रोफेसर है, फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने लाइफ में किया है। मेरा एक भी दोस्त ऐसा नहीं है कि जो खाली बैठा हो, सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। बारिश चालू हो रही है क्या? बारिश ऐसा लग रहा है कि बारिश चालू होगी। तो यहाँ पे हमारा रमन साइंस है, नागपुर की सबसे फेमस जगह है। यहाँ पे ये साइड एक मॉल है इम्प्रेस मॉल करके, पहले बहुत वो चलता था, अभी पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे अब लोग नहीं जा रहे हैं, बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं। मेरा तो फेवरेट मॉल था वो। ये पता नहीं कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं। ये अलग ही जगह आ चुके हम। शायद मोमिनपुरा की तरफ जा रहे हैं। तो गाइज आज की राइड सही रहने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। थोड़े समय बाद मैं भी ये R15 चलाऊंगा नागपुर के बाहर निकलने के बाद। हमने साथ में एक कैमरा भी लिया है फोटोशूट के लिए। ये रास्ते से ऐसा लग रहा है कि मैं जा चुका हूँ, एक बार आया था शायद मैं इधर, पर मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैं कब आया था। ये देखो यहाँ पे मुंबई वड़ा पाव लिखा है, ये रास्ते से आया था मैं एक बार। तो गाइज आपको वॉइस कैसे आ रही है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसी वॉइस आ रही है। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगी। हाँ यार याद आया, यहाँ पे वो चित्रोली का मार्केट था, मार्केट में आए थे चित्रोली के। अग्रसेन स्क्वायर, वैसे देखा जाए तो हमारा नागपुर भी बहुत बड़ा है। हम मुंबई पुणे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, पर मुंबई पुणे से कम भी नहीं है नागपुर। सभी चीज़ें यहाँ पे आपको जो मुंबई पुणे में मिलती है सब मिल जाती है। गाइस ऊपर से मेट्रो जाती है, जब से मेट्रो आई है तब से नागपुर में ट्रैफिक थोड़ी कम हो चुकी है, अब लोग मेट्रो से जाना प्रेफर करते हैं। संडे के दिन तो मेट्रो में खड़े रहने को भी जगह नहीं रहती है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है संडे के दिन, सब लोग बर्डी में बर्डी के मार्केट चले जाते हैं। लोग भी गाड़ी कैसे चला रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। तो ये गाड़ी चित्रोली का मार्केट यहाँ पे है।
तो अभी मैं गांव के बाहर निकलने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस अभी हम यहाँ पे पेट्रोल डालने के लिए आए, आंटी पता नहीं क्यों चिड़चिड़ कर रही है इधर। कृष्णा भाई कितना डालना है? दो सौ दस का पेट्रोल डाल रहे होगी। दो सौ दस का पेट्रोल भर दिया हमने। थोड़ा सा गोप्रो की ये चेक कर लेता हूँ मैं निकाल के कि कहीं नीचे तो नहीं आ गया। 210 का पेट्रोल हमने डाल दिया है और अभी हम निकल चुके हैं रामटेक के लिए। तो सिर्फ एक ही बात का डर है मुझे कि आज बारिश नहीं आनी चाहिए, अगर बारिश आ गई ना पूरा गोप्रो पानी में भीग जाएगा। फिर भी ये रिस्क लेके मैं आपके लिए जा रहा हूँ कि एक अच्छा सा व्लॉग वहाँ जा के मैं बना पाऊँ। ये देखो कैसे चूचा लोग रहते, एकदम से बीच में आ गया, ना मैं ब्रेक दबा पाऊँ ना कुछ कर पाऊँ। ये देखो कहीं से कहीं भी घुस रहे लोग। तो गाइस मैं बोल रहा था कि मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ और आप लोगों का सपोर्ट है इसलिए मैं अभी यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और अपनी मंजिल बहुत दूर है और भी आगे हम लोगों को जाना है। तो ऐसा ही सपोर्ट बना के रखो और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे एंड नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अभी बाहर निकलने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। ये देखो यहाँ से रामटेक 41 किलोमीटर है। तो गाइस ये बहुत आगे चले गए थे और मैं पीछे रह गया था। R15 है, कभी भी पीछे छोड़ देती है स्प्लेंडर को। भाई उसकी टॉप स्पीड 150 है, सोच सकते हो कितनी तेज़ होंगी वो गाड़ी। गाइस अच्छा लग रहा है ऐसे गाड़ी चला के। ये देखो वेलकम कामटी कैंटोनमेंट, क्या पढ़ते नहीं आ रहा है। यहाँ पे नीचे रेती पड़ी है, फिसल सकती है गाड़ी, आराम से जाना पड़ेगा। शायद हम कामटी पहुँच चुके हैं, बहुत ही जल्दी हम कामटी पहुँच गए हैं। हाँ और कृष्णा भाई उनका भी मन कर रहा है गाड़ी चलाने का। क्या ब्रेक दबाया मैंने, ये कामटी गांव है नागपुर के बिल्कुल पास में है। रुक के दिखाता हूँ आपको,
ये देखो और इधर देखो क्या प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। क्या नीचे कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ गाय वगैरह चल रही है वहाँ पे, और यहाँ पे एक खेत है, उधर घर है, उधर देखो पर्वत कैसे दिख रहा है, और इधर रेगिस्तान जैसे लग रहा है। गाइज अभी हम बीच में रुके हैं कामटी में, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी जगह है। जगह के नाम, जगह का नाम तो हमको पता नहीं है। कितने ट्रिप हेलमेट है ये देखो, इसके हेलमेट हेलमेट ये भाई का हेलमेट देखो, इसको ये ग्लास ही नहीं है, देखो डायरेक्ट हवा इधर जाती है आपको। ये मेरा हेलमेट, ये देखो ये भाई का हेलमेट, और मेरे हाथ में ये मोटो ब्लॉगिंग, ये देखो। अभी मैं R15 ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा R15 भी चला के देखते हैं कि कैसा लगता है। तो चलिए अभी निकलते हैं सीधा रामटेक के लिए। तो गाइस मैं अभी गेयर पहन रहा हूँ, मेरे ग्लव्स, ये गाड़ी की चाबी। चलो जय माता दी। ओ भाई क्या पिकअप है, ओ भाई भाई साहब, ओ हो 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 हो, वो स्प्लेंडर चलाने के बाद ये चला रहा हूँ ना तो बहुत ही गजब लग रहा है गाइस। ओ भाई क्या पिकअप है भाई, खतरनाक। भाई साहब, ओ भाई साहब क्या पिकअप है। यहाँ से हमको शायद लेफ्ट जाना है जबलपुर वाले रोड पे, देखते अभी भाई कहाँ पे डाल रहा है। तो मैंने बोला ना जबलपुर वाले रोड से जा रहे हैं, उन्हीं के मोटो जीपी के राइडर रहते हैं, वैसा फील आ रहा है मेरे को भी, क्योंकि मैंने अभी हैंड ग्लोव वगैरह पहने हैं। इधर आगे में शादी चालू है ऐसा लग रहा है। कहान नाम का गांव है, ये देखो ये बच्चों का रिएक्शन देखो। हमको पता ही नहीं चला कि कामटी भी हमने क्रॉस कर लिया है, क्योंकि हम अंदर अंदर से ही आए थे। यहाँ से रामटेक करीबन 30 किलोमीटर पे है। ये देखो बोले राजा शादी चालू है, घोड़े पे बैठने में कितना मजा आता होगा देखो। अभी फाइनली हम हाईवे पे आ गए, इसी चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब हम हाईवे पे आएंगे। ओ भाई साहब क्या भक्ति है गाड़ी, बहुत सही लग रहा है। लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, ये देखो आगे वाला बंदा मुड़ मुड़ के देख रहा है। आपको थोड़ा सा विंड ब्लास्ट महसूस हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चालू है। ये मेरे को लगता है कि हेलमेट चेंज करना पड़ेगा, हेलमेट पूरा ऐसा लग रहा है कि लूज़ है, नीचे ऊपर हो रहा है, चलाने में दिक्कत जा रही है। मानसर 14 किलोमीटर,
पकड़ के चलूँ क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि हेलमेट इधर उधर इधर उधर हो रहा है। विंड इतनी ज़्यादा है, विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा है कि हेलमेट इधर उधर जाएगा ही। वैसे भी ये लूज़ है थोड़ा। खाली रोड है, देखते हैं टॉप स्पीड कितनी जाएगी। गाइज अभी हम रामटेक के पास में आ चुके हैं। अरे क्या कर रहा पागल इंसान। मुझे लगता है नीचे से जाना है, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे आ चुका हूँ फैमिली के साथ में। अरे यहाँ से रामटेक 6 किलोमीटर दिखा रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई। ये तो रामटेक गांव है, नहीं नहीं ये मानसर है, मनसर मनसर पहुँचे हैं। तो सॉरी गाइस, हम अभी तक मनसर ही पहुँचे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर पर रामटेक है। मेरे को लगा कि रामटेक ही है। ये देखो गौतम बुद्ध के स्टैचू है यहाँ पे। तो गाइस अभी यहाँ से है ना रामटेक का मंदिर दिखाई दे रहा है, और को मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऊपर देखो गाइस, वो देखो वहाँ पे रामटेक का मंदिर है। थोड़ा सा वाइड है इसलिए आपको दिखाई नहीं देगा, पर अभी हम काफ़ी पास पहुँच चुके हैं। देखो माउंटेन के ऊपर मंदिर बनाया गया है। तो अभी हम रामटेक सिटी पहुँच चुके हैं। ये रामटेक सिटी है और अभी हमको जाना है ऊपर में। पर में हमारा मंदिर भगवान श्री राम जी का। आज का व्लॉग बहुत ही बड़ा हुआ होगा गाइस, पता नहीं भाई शायद से R15 लेने वाला है ऐसा लग रहा है, या फिर नाश्ता करने का देख रहे। क्या हो गया भाई, हाँ ब्रेकफास्ट करने का देखो। चलो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करता हूँ यहाँ पे, कुछ खाता हूँ। चलो गाइस अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी सीधा ऊपर घर चलते हैं। वो देखो घर, यहाँ से देख रहा होगा आपको। तो गाइस अभी वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा आपको। क्या सही नज़ारा आ रहा है यहाँ से, ऐसा लग रहा है कि फ़ोटो ले लूँ, एक फ़ोटो ले ही लेता हूँ यहाँ से। ये देखो वो है हमारा गढ़। ये देखो यहाँ पे फोटो निकाल रहा हूँ अभी मैं।
बाकी तो उधर जाके देखते रह सका है। तो चलो निकल रहे अपन, पीछे साइड बहुत सारे ट्रक्स है। श्री राम नगरी तो आपले स्वागत आहे। इधर साइड से नहीं जाना है बोल रहे भैया, उधर साइड से जाओ। चलो ना, मैं आगे निकलता हूँ, वो पीछे से आएंगे। थोड़ा घूम के जाना पड़ता है। उनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अकेले निकल जाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा।